कर्नाटक में भाजपा को एक बड़ी जीत मिले 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि मध्य प्रदेश में उन्हें एक बड़ा झटका लग गया। विधानसभा में एक बिल के लिए भाजपा के दो विधायकों ने कांग्रेस के हक में वोटिंग कर दी। नमस्कार, एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खास बात और मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा। काफी लंबे समय और कई राज्यों से होते हुए पाला बदलने का खेल अब मध्य प्रदेश पहुंच गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस खेल की खास बात यह है कि यहां पर बीजेपी के विधायक पाला बदल रहे हैं। हालांकि अभी तक तमाम राजनीतिक दलों के सांसद और विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो विधायकों ने पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। दरअसल ये दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम 24 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा में उस वक्त पेश आया जब एक विधेयक पर मतदान के दौरान बीजेपी के दो विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट दे दिया, जबकि बाकी के बीजेपी विधायक बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट कर गए थे। लेकिन यहां पर एक और दिलचस्प बात जानने की है कि 24 जुलाई को सदन में जब मुख्यमंत्री चर्चा के दौरान विपक्ष को बहुमत का परीक्षण कराने की चुनौती दे रहे थे, ठीक उसी वक्त विधानसभा में नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि अगर ऊपर से नंबर एक और दो का आदेश हुआ तो सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। दरअसल यहां पर गोपाल भार्गव का इशारा नंबर एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नंबर दो से गृह मंत्री अमित शाह से था, लेकिन सदन में नेता विपक्ष गोपाल भार्गव की ये बात उल्टी पड़ गई। बिल पर जब मत विभाजन की नौबत आई तो बीजेपी के ही दो विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने सरकार के पक्ष में वोट दे दिया। इसके बाद सदन के बाहर दोनों ही नेताओं ने खुले तौर पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह दी। दरअसल मध्य प्रदेश में राजनीतिक ड्रामा सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। कमलनाथ भले ही सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन राज्य में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद कई बार ऐसी खबरें भी चर्चा में आई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई जा सकती है। और हाल ही में जिस तरह से पहले गोवा में कांग्रेस के नेता विपक्ष सहित 10 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और इसके बाद जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार विश्वास प्रस्ताव हार गई, उसके बाद से ही इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया था कि क्या अब अगला नंबर मध्य प्रदेश का है। साथ ही जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता बयान दे रहे थे, उसमें इस बात की शंका भी उठ रही थी कि गोवा और कर्नाटक वाला राजनीतिक खेल मध्य प्रदेश में भी खेला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक दांव कमलनाथ ने चला है, उससे बीजेपी ही अब सकते में आ गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के करीबी और दिग्विजय सिंह के आध्यात्मिक गुरु कंप्यूटर बाबा ने यह भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में चार और बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं और जब भी कमलनाथ कहेंगे मैं उन्हें उनके सामने पेश कर दूंगा। अब बाबा का यह दावा कितना सच्चा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कमलनाथ के इस धोबी पछाड़ से मध्य प्रदेश में बीजेपी जरूर सकते में आ गई है। अब आइए जरा इन दोनों विधायकों के बारे में भी जान लें। दरअसल नारायण त्रिपाठी मेहर से बीजेपी के विधायक हैं, जो कि पहले कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और कांग्रेस की टिकट पर ही मेहर से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बाद में पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो वहीं शरद कौल शहडोल से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। दिग्गज कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोनों ही विधायकों को सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए बधाई दी है, साथ ही इसे उनकी घर वापसी करार दिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में किसी नए राजनीतिक समीकरण के बनने की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी का आगे क्या रुख रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।